पैसे कहाँ है? निकलिए यहाँ से, निकलिए। इसने सही कहा है, सूरत भोली भाली और चाल कोयले सी काली। पायल जो है एक के बाद एक चाल चल रही है, क्रिश को पागल बना रही है और साथ ही साथ जो पायल ने पैसे उधार लिए थे उन पैसों को कैसे चुकाएगी पायल ने देखना होगा। इंटरेस्टिंग बात हो रही है कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन की। जी हाँ, अब होने वाला है बहुत जल्द पायल का पर्दाफाश, कब होगा ये देखना होगा। इंटरेस्टिंग। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं। चलिए सर। एक बार मदद क्या मांगी तुमसे, वो भी हमारे लिए शाप बन गई। क्योंकि जहां पर एक तरफ कृष ने पायल के लिए स्टैंड लिया था कि मैं ये साबित करूंगा कि पायल लालची नहीं है बल्कि वो मुझसे प्यार करती है, तो दूसरी तरफ कृष ने ये भी स्टैंड लिया है कि वो किसी से कुछ भी नहीं लेगा बल्कि वो अपने दम पर ही कुछ करेगा, यानी कि अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होगा, किसी से जरा सा भी उधार या मदद नहीं लेगा। ऐसे में जो क्रिश को बिंदिया पैसे देती है 5 लाख रुपए की, ये तुम्हारी अमानत थी तुम रख लो, तो क्रिश जो है दे देता है यहाँ पर पायल को और वो जो पैसे हैं गायब हो जाते हैं। क्रिश को पैसों की जरूरत होती है, वो जाता है, लेकिन वहां पर पैसे नहीं बल्कि उस बैग में रद्दी होती है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो बिंदिया पर आरोप लगाता है कि तुम तो बोल रही थी 5 लाख रुपए हैं, आखिरकार कहाँ गए 5 लाख रुपए। तब इंदु भी आ जाती है और इंदु तो वैसे ही मौका ढूंढती रहती है क्योंकि इंदु को भी पता है ये सुहागन सौतन और इन बहनों के बीच में हमारा बाबू फंस रहा है। वैसे बात तो सही है, लेकिन अब देखते हैं कि क्रिश के सामने बिंदिया इस बात को कैसे लाएगी कि पैसे बिंदिया ने नहीं बल्कि पायल ने यूज किए हैं और पायल ने ही लिए हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।